नमस्कार सभी विद्यार्थियों का बीएल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम अपनी फिजिकल क्लास के अंदर जो है कक्षा 12 लेसन 3 में स्वतंत्रता पढ़ रहा था और हमारा समानता का टॉपिक शेष रह गया था। देखो समानता जो है वो क्या चीज है, समानता कैसे है और संविधान संगत कैसे है और समानता में हम पढ़ते क्या है। निश्चित रूप से समानता जो है वो विशेषाधिकार अधिकार के खिलाफ लड़ाई है, स्पेशल राइट। हमने वीआईपीनेस का नाम सुना होगा, वीआईपी कोटे का नाम। समानता जो है वो वास्तव में क्या है, एक विशेषाधिकारों के विरुद्ध की गई कार्रवाई है। देखिए हम लोग समाज में रहते हैं और समाज के अंदर अलग अलग तबके होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, ऊंचे भी होते हैं, नीचे भी होते हैं, सब तरह की जातियां होती हैं। तो सब तरह की जातियों में एक वीआईपी कल्चर होता है जिनको समाज में कुछ विशेष अधिकार होते हैं, वीआईपी कोटे से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल तो एक वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एक कल्चर और चल गया, और ये सारा का सारा कल्चर, सारा का सारा सिस्टम जो है वो वीआईपी जो है समानता के विरुद्ध है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया अपने पिछले लेक्चर में, हमने अपने कल परसों ही हमने समझा था कि हम 1947 को आजाद हुए और 1950 को हमने क्या किया, संविधान लागू किया जनवरी 26। और उस समय हमने एक शपथ ली थी, एक ओथ लिखी थी, वी आर इंडियन, वी हैव कंप्लीट डन आ इक्वालिटी, हम भारतीय समानता को पूर्ण रूप से स्थापित करेंगे। समानता क्या चीज है? समानता जो है वह मतलब किसी भी तरीके से भारत में रहने वाले किसी भी आदमी के साथ में भेदभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भेदभाव। भेदभाव का मतलब है किसी भी तरह का दोहरा व्यवहार नहीं होगा, चाहे वो धर्म है, जाति है, लिंग है, वर्ण है, संप्रदाय है, कर्म स्थान है, जन्म स्थान है, किसी विधा में भेदभाव नहीं होगा। और स्पेशली ये बात आपको बताई गई है कि समानता जो है वो मतलब हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसा कि आपको पता होगा, आज बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूंगा। अब स्वतंत्रता समानता के बिना संभव नहीं है। स्वतंत्रता के लिए समानता निहायत जरूरी है। स्वतंत्रता तब काम में आएगी जब समानता होगी, समानता तभी समानता समझी जाएगी जब स्वतंत्रता होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना स्वतंत्रता के समानता, अगर देखिए स्वतंत्रता नहीं है, अगर मान लीजिए कोई आदमी स्वतंत्र नहीं है तो वो समान होने से वो चित्त नहीं है, सिंप्लीफाई। और स्वतंत्र होने के साथ ही समान होना भी जरूरी है। अब देखिए, अब जैसा कि मानव अधिकार आयोग क्या कहता है, मानव अधिकार आयोग कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं, मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं, और समानता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। वह समानता को मांग नहीं रहा कहीं से, बल्कि उसका बर्थ राइट है, सिंस बर्थ, जब से वो पैदा हुआ है तब से वो समान, वो चाहता है कि समानता उसे मिले और ये उसका निश्चित अधिकार है। और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जब उन्होंने अपना जो अमेरिका 1776 में 1776 में जब अमेरिका ने अपना घोषणा पत्र जब लागू किया था तो निश्चित रूप से उन्होंने जो है समानता को, इक्वालिटी को जो है बहुत भारी जगह दी थी। समानता उन परिस्थितियों का नाम है जिनके कारण सभी व्यक्तियों को अपने समान अधिकार समझे जाते हैं, ठीक है। समानता क्या है? समानता जो है वो एक इस तरीके की व्यवस्था है कि जिसके अंदर
एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी लोगों को समान अधिकारों से जो उत्प्रोत किया जाता है समानता कहलाता है। अब आर्टिकल, अब भारतीय संविधान के भाग चार के आर्टिकल जो है 35 से लेकर 51 तक हमें जो है नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और नीति निर्देशक तत्व में हमें कर्तव्य बताए हैं, हमारे मूल कर्तव्य बताए गए हैं कि हम क्या करें, हमारी नीति निर्धारण के लिए मूल कर्तव्य क्या है। तो उसमें एक मूल कर्तव्य भी है, और ये भी कहा गया राज्य के बारे में कि राज्य जो है इन नीति निर्देशक तत्वों का यथेष्ट लागू करेगा, जितना कि वो कर सकता है, इतना कि वो सक्षम है। अब समानता का अर्थ हमने पढ़ लिया, समानता के अब पढ़ते हैं समानता के आधारभूत तत्व। तो देखो समानता क्या है, समानता एक विचारधारा है जो स्वतंत्रता के साथ चलने वाली विचारधारा है, बिना स्वतंत्रता के समानता और बिना समानता के स्वतंत्रता अर्थहीन है। दोनों तभी अर्थपूर्ण है जब दोनों बराबर मिले, समझ पाए। अब दोनों की अर्थपूर्णता इसी बात से, इसी औचित्यपूर्ण तरीके से आ जाती है कि समान समान रूप से, समान तर्क से, समान व्यवस्थित, समान व्यवस्था के अनुसार से चले। अब देखिए समानता जो है, अब लॉस की क्या कहते हैं, समानता का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ में एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान वेतन दिया जाए। लॉस्की ने स्पष्ट कह दिया, लॉस्की कहता है कि समानता का मतलब यह नहीं कि सबके साथ में समान व्यवहार समानता है या सबका समान वेतन समानता है। समानता दो तरह की होती है, समानता जो है तर्कपूर्ण भी होनी चाहिए और अर्थपूर्ण भी होनी चाहिए। अब दो शब्द आए हैं, तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण। तर्कपूर्ण क्या है कि वो समानता जो तर्क की कसौटी पर कर रही उतरे वो समानता कहलाती है, वह समानता जिसका कोई अर्थ निकले वो अर्थपूर्ण समानता कहलाती है। अब इन दोनों में अगर समान है तो निश्चित रूप से समान है, अगर दोनों में समान नहीं है तो वो निश्चित रूप से समान नहीं है, क्योंकि समानता का मतलब यह कतई नहीं कि समानता जो है, अब देखिए समानता का भावार्थ है कि समाज राज्य के द्वारा प्रदत्त अवसरों में समानता हो, यह होती है तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण समानता। समझे पर राज्य या केंद्र जो हमें अवसर प्रदान करता है तो अवसर की समानता होनी चाहिए, यानी उसमें असमानता का कोई आधार नहीं होना चाहिए। समानता का मतलब लॉस की ये कहते हैं कि समानता का मतलब समान वेतन, वेतन या समान वेतन या समान अधिकार नहीं होते, समझे बात। अब देखो तुम एक बात सोचो कि समान वेतन और समान अधिकार अगर हो जाए, एक राजा को एक मजदूर जितने अधिकार मिल जाए तो क्या यह समानता होगी? राजा के अधिकार मजदूर के अधिकार से ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? अगर कोई ये कहता है कि इनमें समानता होनी चाहिए तो क्या वो तर्कपूर्ण है, क्या वो अर्थपूर्ण है? अब वेतन समानता, अगर मान लीजिए एक डॉक्टर का वेतन एक मतलब अखबार बेचने वाले अखबार विक्रेता जितना हो तो क्या ये समानता होगी? अगर ये समानता दोनों कर दी जाए, राज्य अगर दोनों ये समानता कर देती है कि एक राजा एक मूल मजदूर जितने अधिकार रखता है और एक डॉक्टर जो है अखबार विक्रेता जितनी सैलरी पाता है, या एक मजदूर जितनी सैलरी एक डॉक्टर को मिलती है, या एक जो इंजीनियर है वह इंजीनियर जो है वह इंजीनियर और मतलब एक वेतनभोगी कर्मचारी समान है, तो फिर ये बात ये देखिए कि एक
ईआर और डीआर इंजीनियर और डॉक्टर की सैलरी तो कहीं हो सकता है कि पैरेलल हो सकती है, लेकिन एक इन दोनों की सैलरी जो है वह एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्थिति कैसे हो सकती है? अगर ये हुई तो क्या समानता होगी? तो समानता जो है, समानता का मतलब है कि राज्य में एक ऐसी स्थिति कि जहां पर सब समान हो। समानता का मतलब सीधा सीधा है कि राज्य के द्वारा प्रदत्त अवसरों में सबको समानता दी जाए। मतलब समानता का मतलब फिर क्या हुआ? समानता का मतलब हुआ कि भेदभाव न होना। समानता का मतलब हुआ कि विशेषाधिकार न होना। समानता का मतलब क्या हुआ कि समाज में बराबर की स्थिति होना। समानता का मतलब क्या हुआ कि सबको समान समझना। समानता का मतलब है कि वीआईपी कल्चर को खत्म करना, ये न होना समानता है। ठीक है, समानता का भावार्थ है कि अवसर की समानता। किसकी? अवसर की समानता होनी चाहिए, क्योंकि जो अवसर मिले वो समान मिलने चाहिए, वो निश्चित रूप से समानता है। अगर अवसर की समानता नहीं है तो वो समानता नहीं मानी जाएगी। समझ पा रहे हो? आगे देखो समानता के प्रकार। यहां तक सबको समझ में आ गया हो? समानता क्या है? इक्वालिटी, समानता जो है वो क्या चीज है? आज हम पढ़ेंगे समानता के प्रकार कायम, कि समानता कितने तरह की होती है। देखिए समानता के प्रकार, पहला प्रकार होता है नागरिक समानता। कि राज्य जो है वो नागरिक निर्माण में समानता बरते हैं। अब नागरिक निर्माण कैसे कैसे होता है? कि देखिए नए नागरिक का निर्माण जो है वो दो तरीके होता है। पहला कि नए वह जो पैदा हुआ है वो एक ऐसे दंपत्ति के पैदा हो, दंपत्ति मतलब ऐसे माता पिता से पैदा हो जो निश्चित रूप से भारतीय हो। ठीक है, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अगर इन केस अगर ऐसा होता है कि वह एक ऐसी जोड़ी की संतान है कि जो पिता तो भारतीय हैं लेकिन मां भारतीय नहीं है, विदेशी महिला है, तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? हां निश्चित रूप से होगा। पिता और माता में से कोई एक अगर भारतीय है तो संतान को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। दूसरी बात, ये तो थे बाय बर्थ। बाय बर्थ मतलब आपके जन्म के साथ मिलने वाली समानता, और एक होती है बाय द लॉ, कानून के अनुसार। समानता का मतलब क्या होता है? कानून के अनुसार समानता का भावार्थ, सॉरी कानून के अनुसार नागरिकता का मतलब क्या होता है? कि वह व्यक्ति जो किसी भी देश या भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे अपने देश की नागरिकता त्यागे हुए 10 साल हो गए हो, और पिछले 5 वर्षों में जो जब वो मतलब अपने देश में था तब उस पर किसी भी तरह का कोई राजकीय वाद न दायर किया गया हो, यानी उस पर कोई आपराधिक मुकदमा न दायर,
और उसे भारत में रहते हुए कम से कम 5 वर्ष हो गए और उन 5 वर्षों में उस पर किसी भी तरह का कोई भी इरादतन या गैर इरादतन आपराधिक मुकदमा नहीं लगा हुआ हो, वह व्यक्ति निश्चित रूप से भारत का नागरिक हो जाता है। तो नागरिक समानता का मतलब है कि माता पिता के अलावा, माता और पिता के अलावा जो इनकी संतान जो पैदा होती है, इस संतान को भी वही अधिकार दिए जाए समानता के साथ में, ठीक है। यानी इसमें कोई किसी तरीके के मतलब इनका जो जो बच्चा है उसमें कोई धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, संप्रदाय, धर्म स्थान, कर्म स्थान नहीं आ जाना चाहिए। मतलब वो सबके थे, वो किसी का बच्चा है, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, जैन का, बौद्ध का, पारसी का, लामा का, किसी का भी बच्चा है, वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, वो चाहे मतलब कोई भी है, मतलब किसी भी तरीके का, मतलब चाहे वो वैष्णव है, शैव है, चाहे वो मतलब मुस्लिम में वो शिया है, सुन्नी है, चाहे जैनियों में श्वेतांबर है, दिगंबर है, चाहे वो हीनयान है और महायान है, चाहे वो कैथोलिक है, चाहे प्रोटेस्टेंट है, वो कोई भी है, कुछ भी है, उसे समानता का अधिकार मिले निश्चित रूप से। ये होती है नागरिक समानता। उसके बाद में आती है सब अगली समानता जो आती है वो आती है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता ये कहती है कि व्यक्ति को राजनीति में समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। एक व्यक्ति जो राजनीति में कदम रखता है उसके लिए निश्चित रूप से कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। उसमें वह भारत में पैदा हुआ है, भारत का नागरिक है, तो उसे उसकी राजनीतिक संभावनाएं उतनी हो जिसे भारत में जिसकी उसके लिए कोई वीआईपी कोटा नहीं हो, वह समानता। राज्य अपने विशेष मतलब किसी व्यक्ति विशेष जाति विशेष धर्म विशेष समुदाय विशेष को कोई विशेषाधिकार वीआईपी कल्चर नहीं देगा। हाँ, तर्क संगत असमानता मैंने पहले ही बताया, तर्क संगत असमानता जाहिर हो सकती है, संवैधानिक असमानता हो सकती है, लेकिन इसके अलावा तर्क संगत, न्याय संगत, विधि संगत असमानता के अलावा और कोई असमानता नहीं हो सकती। अब तर्क संगत असमानता क्या हो सकती है, विधि संगत से असमानता क्या है, न्याय संगत असमानता क्या है? देखो निश्चित रूप से राज्य राजनीति में सबके लिए बराबर अवसर है, लेकिन जो चुनाव आयोग ने, भारतीय इलेक्शन कमीशन ने या इंडियन इलेक्शन कमीशन ने जो कैटेगरीज फाइनल की गई है, लाइक भारत की जो जाति है उन जाति को 4 भागों में बांटा गया है, जनरल, सामान्य, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, लाइक शेड्यूल कास्ट, लाइक शेड्यूल ट्राइब्स, इसके अलावा जो है कई और कैटेगरीज है, टाटा है, माटा है, मतलब लाइक दैट कई जो है, लेकिन ये मूल रूप से 4 कैटेगरीज है। इन 4 कैटेगरीज में को जो है 2 भागों में बांट दिया गया है निश्चित रूप से। ये 4 कैटेगरीज है, ये 2 भागों में बटी है, उसमें है महिला और पुरुष, मेल एंड फीमेल। अब इस दोनों में जनरल मेल एंड जनरल फीमेल, ओबीसी मेल एंड ओबीसी फीमेल, एससी मेल एंड एससी फीमेल और एसटी मेल एंड एसटी फीमेल, तो ये कैटेगरीज बटी हुई है। अगर इसके आधार पे मान लीजिए कहीं कहीं का कहीं किसी तरीके का आरक्षण आता है तो वो संविधान प्रदत्त है, उस आरक्षण को फॉलो करना होगा। इसके अलावा अगर कोई असमानता है तो वो निश्चित रूप से विधि संगत, न्याय संगत, तर्क संगत नहीं है, समझे बात। तो अब देखिए, अब दूसरी हमने राजनीतिक समानता बता दी, ये तो संविधानोत्तर असमानता है, ये तो होगी होगी क्योंकि आरक्षण संविधान के अंदर वर्णित है और इसको हम आप लोग जो है वो मतलब किसी तरीके से मतलब डिफीट नहीं कर सकते, उसको आउट नहीं कर सकते। उसके बाद में अगली समानता असमानता आती है, वो आती है राजनीतिक असमानता के बाद में आती है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता क्या है, या इसे असमानता या सामाजिक समानता भी कह सकते हैं हम। सामाजिक समानता क्या है, समाज में कोई भी व्यक्ति किसी भी आधार पे असमान नहीं समझा जाएगा, धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ण, लिंग, संप्रदाय के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा,
और उसे पूर्ण रूप से जो है वो समानता होगी। राज्य, व्यक्ति, संस्था, अगर कोई भी सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह का, मतलब अगर अगर सरकारी गैर सरकारी अर्ध सरकारी अगर कोई निकाय है, संस्था है, ठीक है, या कोई सोसाइटी है, तो वो किसी भी तरह का किसी भी आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ में जो है वो भेदभाव नहीं करेगी। समाज के प्रत्येक तबके को अवसर की समानता प्रदान रहेगी। पूरा समाज जो है अवसर के रूप में समान होगा, अलग अलग नहीं होगा, कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, सबको समान रूप से अवसर प्राप्त होंगे। से वो सरकार, अगर मान लीजिए कोई संस्था है, सरकारी नहीं भी है, अगर वो संस्था है तो वो असमानता, वो भी नहीं असमानता कर सकती, सरकार का तो मतलब ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो तो संवैधानिक निकाय है, संविधान के अनुसार है, तो वो असमानता कहां करेगा। उसके बाद में आती है प्राकृतिक समानता। क्या आती है? प्राकृतिक समानता। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, बाय द नेचुरल द ऑल मैन आर इक्वल। किसी भी तरीके से, किसी भी तरह की शारीरिक मानसिक असमानता जो है वो नहीं होगी, सब समान होंगे। देखिए निश्चित रूप से प्राकृतिक, बाय द नेचुरल, किसी तरह का, देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन आपने सुना होगा, समान कार्य के लिए लिए समान वेतन, इसमें प्रकृति को लेकर महिला या पुरुष को लेकर किसी भी तरीके की कोई जो है वो क्लैश नहीं हो सकता, किसी तरीके की आपस में वो नहीं हो सकती। एक अध्यापक के पद पे जो सुशोभित व्यक्ति है या वो महिला है, पढ़ा रही है, एक पद पे है, एक प्रथम श्रेणी के अध्यापक की तनख्वाह प्रथम श्रेणी के अध्यापिका के बराबर होगी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी प्रधानाध्यापक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मतलब सब तरह जो पैरेलल जो पद है उसके लिए पैरेलल सैलरी होगी। हाँ, डिफरेंट इनिशिएटिव के लिए डिफरेंट हो सकती है, बट पैरेलल के लिए पैरेलल ही होगी। यानी प्राकृतिक असमानता, क्योंकि नेचर, प्रकृति ने हमें समान रूप से पैदा किया है, ठीक है। प्राकृतिक असमानता तो खैर है ही, उसमें तो कोई निश्चित है, मतलब है नहीं कुछ, क्योंकि प्रकृति पैदा करती है, प्राकृतिक असमानता तो है हमारे पास में, लेकिन संविधान प्रदत्त समानता रहेगी। हालांकि हमारे रंग वर्ण सब कुछ अलग अलग है, हमारा फिजिकल मेटाबॉलिज्म अलग है, हमारी शारीरिक बनावट अलग अलग है, हमारी शारीरिक कार्य प्रणाली अलग अलग है, हम सबके शरीर अलग अलग होते, इवन की हमारी बायोमेट्रिक्स, हमारे आइरिस और हमारे चेहरे के हाव भाव डेल डोल, एक माँ के द्वारा पैदा किए दो बच्चे भी समान नहीं होते, एक माता और एक पिता के द्वारा दो जुड़वा बच्चे पैदा होते वो भी अलग अलग होते हैं। तो असमानता तो प्रकृति जन्य है, लेकिन राज्य प्रदत्त असमानता नहीं होगी, वो समानता का हमारे पास में अधिकार है कि नेचुरली सबके साथ में एक जैसा व्यवहार होगा, सबके साथ में कालांतर में उनमें अगर कोई अंतर आता है तो सामाजिक परिस्थिति के अनुसार उनमें बदलावट नहीं आएगी। उसके बाद में आती आर्थिक असमानता। आर्थिक समानता, राज्य अर्थ के आधार पे सबको समान अवसर उपलब्ध करवाए, आर्थिक अवसर, समान आय के लिए समान वेतन, समान वृत्ति, आजीविका के लिए समान वृत्ति, सबको वृत्ति। क्योंकि देखो हमने भारत में समाजवाद, वैसे तो देखिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया हुआ है, हमारे यहां पे
लेकिन फिर भी सोशलिज्म ज्यादा है। समाजवाद में यह कहा गया है कि सबको मिले, सबको मिले, बराबर मिले, चाहे थोड़ा ही मिले, ठीक है, ये समाजवाद कहता है। समाजवाद में बताया गया कि सबको मिले, बराबर मिले, थोड़ा ही मिले, समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, समान अभ्यर्थी के लिए समान नियम होंगे, आर्थिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, अमीर को कोई विशेष कोटा हो गरीब के लिए नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, सबके साथ में आर्थिक समानता का जो है मतलब अधिकार है, क्योंकि हमारे नीति निर्देशक तत्व भी क्या कहते हैं कि सबको न्यूनतम मिलेगा, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। देखिए राज्य क्या करता है, राज्य सब राज्य जितनी भी आर्थिक सेवाएं देता है, चाहे वो चिकित्सा है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, मनोरंजन है, ये जिस या तो सबको फ्री है या किसी को नहीं। निश्चित रूप से सरकारी अस्पताल है, आप इलाज कराइए, फ्री है, आप किसी जाति धर्म समुदाय से संबंध रखते हैं वो आर्थिक निकाय से कोई नहीं है। स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, उसमें कोई भी किसी तरह की कोई असमानता नहीं है। आपके सामने जो सरकारी आवास है वहां पे कोई ऐसा किसी भी तरह की कोई भी असमानता नहीं है, सब समान है, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो निश्चित रूप से ये समानता जो है हमारे सामने आ जाती है। अब देखिए समानता जो है इसके अलावा समानता के क्या बातें हैं, तो हम जो है आगे एक और समानता बचती है हमारी, सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता क्या कहती है कि सबको संस्कृति, कल्चरल इक्वलिटी है, यानी सांस्कृतिक समानता है, सब सांस्कृतिक रूप से समान है, सबको बराबर की, सभी व्यक्ति को अपनी संस्कृति मानने का पूरा पूरा अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, वे सबको अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, अपनी अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी, वो मतलब वो उद्योग कर सकता है, वो मतलब वो उसके लिए प्रयास कर सकता है, वो इसका सहवयन कर सकता है, वर्धन कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है, उसके लिए चंदा इकट्ठा कर सकता है। और आपको बता दूं कि भारत में धर्म जो है वो आयकर मुक्त है। अगर मान लीजिए आपका कोई मित्र आपके धर्म उत्थान के लिए, आपके रिलीजन के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, आपके एनजीओ के लिए कहीं से पैसे भेज रहा है विदेश से, तो जितने पैसे वो भेजेगा उसको उतने ही प्राप्त होंगे, क्योंकि धर्म कर मुक्त है, धर्म पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है और नए सरकार लेती है। अगर मान लीजिए राम मंदिर निर्माण के लिए या कोई अन्य किसी सामाजिक कार्य के लिए या अन्य कोई भी सोशल एक्टिविटी के लिए, अगर सोशल वेलफेयर के लिए अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर कोई पैसा भेजता है तो वो आपका इनकम टैक्स फ्री है, उस पर कोई तरह का कोई कर दे नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। इसके बाद में आती है, अंत में आती है आपके सामने सब कानूनी असमानता, कानूनी कानून जो है सबके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डीजे कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट या ग्राम न्यायालय, कोई भी न्याय का कोई भी मंदिर है, न्याय का कोई भी दरवाजा है, वो किसी भी व्यक्ति के लिए बंद नहीं है, सबके लिए बराबर खुला है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपने स्तर पर आर्थिक न्याय लेने का सामर्थ्य नहीं रखता तो सबके लिए पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है
और उसके पास में वकील हायर करने के पैसे नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसका मुकदमा जो है वो मतलब बिना लड़े बिना बिना सुनवाई किए ही वो खारिज होएगा। नहीं, सरकारी वकील उसके लिए होंगे, पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके लिए होंगे, और निश्चित रूप से उन पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को क्या कर रहे, मतलब उनको जो है मतलब ये बिना पैसे आपका केस लड़ेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। क्योंकि न्याय, क्योंकि विधि जो है वो दरअसल कानूनी समानता, क्योंकि हमने देखिए संविधान लागू करते समय ये बात तय कर ली थी इंग्लैंड से, जब हमने समान हमने विधि संहिता ली, विधियों समान विधियों का समान संरक्षण लिया, समान विधि ली, तो हमने ये तय कर लिया था कि हमारे यहाँ पे जो है समानता रहेगी, इक्वालिटी रहेगी, क्योंकि इक्वालिटी जो है वो किसी भी देश की सक्सेस का पहला रिव्यू होती है निश्चित रूप से। आई बात सुन, और अंत में लास्ट में आती है अवसर की समानता। मैं काफी बार इसमें बोल चुका हूं, आपको बता चुका हूं, अवसर की समानता का मतलब होता है राइट टू एन इक्वालिटी इन बाय द लॉ, बाय द इकोनॉमी, बाय द सोसाइटी, बाय द रिलीजन, बाय द कंडीशन, एवरीथिंग। नो, इफ कोई किसी तरीके का अगर आपके पास में मतलब किसी तरीके का अगर मान लीजिए कोई भेदभाव करने का कारण नहीं है, अगर मान लीजिए कारण है, समझ रहे हो, आर्थिक कानून कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, धार्मिक कारण हो सकता है, कानूनी कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, मान लीजिए आप बहस नहीं कर सकते महिलाओं के साथ, आर्ग्यू नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए आप सीधे 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 संविधान में कहा गया है कि महिलाएं बच्चों के लिए स्थान छोड़े और पुरुष महिलाओं के लिए स्थान छोड़े, अब तुम ये कह दो कि ये अनइक्वालिटी है तो ये गलत है, क्योंकि इतनी सामाजिक समान इतना सरोकार तो होना चाहिए कि हम अपने से छोटे को पहले दें। देखिए बड़ों को चाहिए, कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, अगर छोटे अपराध भी कर लेते हैं तो बड़ों को क्या चाहिए, निश्चित रूप से उन्हें जो माफ करने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अवसर की समानता है, हमें छोटों के लिए अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए, और हमें एक बड़ा होने के नाते चाहे वो घर में मुखिया हो, चाहे समाज में सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे वो पार्टी का मुखिया हो, चाहे वो देश का मुखिया हो, अगर वो कोई अवसर उपलब्ध करवाता है तो वो सबके लिए समान। देखिए जैसे आप घर में आप मुखिया हैं, आप बड़े हैं, आप टॉफी लेके आते हैं, तो आप निश्चित रूप से आपका धर्म और आपका सोशल वैल्यू क्या कहती है, आप सब बच्चों को बराबर देंगे, सबको एक तो एक, दो तो दो, तीन तो तीन, चॉकलेट तो चॉकलेट, टॉफी तो टॉफी, अगर मैंने और कुछ दे रहे तो सेम, मतलब असमानता उसमें, वहां भी वीआईपी कल्चर ना करें। ये होती है अवसर की समानता, कि सबको समान अवसर उपलब्ध करवाए जाए। पुनः से देख लीजिए ये समानता है, और समानता की चार हमने अलग अलग पढ़ दी है, पहली हमारी थी नागरिक समानता, नागरिक समानता के बाद में ये पहली थी जो हमें बताई गई थी नागरिक, उसके बाद में जो है अगली है राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता के बाद में आती है सामाजिक समानता, सामाजिक समानता के बाद में आई प्राकृतिक समानता, प्राकृतिक समानता के बाद में आर्थिक समानता, आर्थिक समानता के बाद में सांस्कृतिक समानता, फिर आई कानूनी समानता, और अंत में आई अवसर की समानता। समझ रहे जी? तो ये थे आपकी समानता और उसके टॉपिक। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आई हो तो मैं निश्चित रूप से आपको पुनः से दोहरा दूंगा, आप कोई चीज नहीं समझ में आए तो मुझसे दोबारा पूछ लें, और आप जो है निश्चित रूप से इसे देखें और पुस्तक पढ़ के देखें। धन्यवाद।